ਸਾਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਆਂ ਨਿਕਲ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ 400 ਨਿਕਲ ਅਸਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਾ ਥੱਪੜਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮੂਹ ਲਾਲ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਪਟਾ ਕਾ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਬੁਲਾ ਬੁਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। मिनिस्टर साहब भुगलाव का शिकार चाहिए है, तनकीद ना करो, ये वादे कर क्या के कम के करे से अगर तू जीत किया तो मगर जीतल को पहले भी ये खान दी अवाम है कैंडी काल भी ना सुन सी कैंडी काल बर्दाश्त भी ना करे सी तेरे रोटी बोटी दे से भूखे न तेरे बुए दे वन्यो सा कुत्ता पहले आमद खान बाद ही चांद है। क्यों भाई वोट सारे पर्चियां सारी पोलिंग स्टेशन सारे बंदे सारे बट मिनिस्टर भी सारी निर्वाल होगी एमपीए भी सारे निर्वाल होगी एमएनए भी सारे निर्वाल होगी जेरा डी खान डेरे वाला को बंदे करे सी मैं उन्हें थप्पड़ा ना लीने मुंह लाल कर दे सा थप्पड़ा ना लीने मुंह लाल कर दे सा बट टाका लिखा हुआ ब्लब ब्लब कर रही सी ब्लब ब्लब कर रही सी। ये तू मिनिस्टर है ये तेरे को कैसे कह कि तू सियासत कर तेरे को कैसे कह तू मिनिस्टर बन पोलिंग वाली दीवार हिस्से तक वादे कर ले वहां अगर तेरे क्या मुंशी दर मुंशी कोई बदमाशी की थी मेरा नंबर हर कह को ले सीधी आसो डेरे वाल बिरा पहुंच ए मुंशी दा मुंशी तंग करे ना पिया इंशाल्लाह पहुंच आसा मेरे ख्याल च लाले गाल की थी कि सिविल अदालत दे पिछू हाई कोर्ट दे पिछू हाई कोर्ट दे पिछू कैसे अली अमीन दे घर तक दी गाल करे ने पैसा बदमाश है करे से सीधी सीधी गाल करे सो ओना मुंह ते चाटा लग से लाल लाल करे सी और मामा दे ले जदन तक तू अलमावा ते माफिया न मंग से तदा सा पीछे न छुड़े सो अपने मंसूबे दे सामने दी जा दे ते मंदे कड़े दे गालियां कड़े दे यार ए कोई सियासत है ए अखलाक की तरह असो को मंदे कड़े दे प्रोटोकॉल ला मेरे से तो पता लग सी कर सी सारी जेब दे बीच ना बलवाले दी फरमाइश कर दे सो सारी जेब दे बीच तस्वीर निकल ਉਂਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ 400 ਨਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਅਬੇ ਜ਼ਮਦ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸ਼ੋ ਸੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮੀਅਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਛੋੜੀ ਜਮੀਅਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਛੋੜੀ ਕੁਝ ਕਰੋ ਭਰੋ ਭਰੋ ਕੁਝ ਭਰੋ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਗਰਟ ਭਰੋ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰ ਜਨਨ ਦਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ इमरान खान ने 1974 का आइन को खड़ाया ना ऊ टाइम पे जलील बदे ऊ टाइम का महंगाई का बोझ सारे सर पे आ गया सारी गरीब आवाम पिस गई है गुनाह ही ना कितन सजा सा तीन बजे को मिल सी जैसा बल्ले को वोट देता है कंट्रोल बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका बड़ी मेहरबानी अस्सलाम वालेकुम।